स्वागत है जैन साहब आपका, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, कौन सा शेयर आज चुना है आपने? बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। एमएमपी इंडस्ट्रीज मतलब ये पहली बार नहीं दे रहा हूं मैं, दूसरी बार दे रहा हूं और एक बार 10 की कमाई में भी ये स्टॉक दिया। गजब का स्टॉक है, महाराष्ट्र मेटल पाउडर्स एमएमपी का शॉर्ट फॉर्म ये, और ये नागपुर बेस्ड कंपनी है, 1983-84 से कार्यरत है और सन इन लॉ और फादर इन लॉ का एक कॉम्बो है और वेरी एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही क्वालिफाइड प्रोमोटर बैकग्राउंड है, उन्होंने स्टार्ट किया था ये। और कंपनी का देखिए मार्केट शेयर, मतलब ये काफी सारे स्लरीज माइनिंग और डिफेंस और सारे सेगमेंट्स में करती है, तो पर्टिकुलरली इनके जो एल्यूमिनियम पाउडर पेस्ट, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, फॉइल्स ये सब बनाते हैं, तो ये सप्लाईज में पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इनका 60% मार्केट शेयर है और एल्यूमिनियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स की थर्ड लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी है। 500 करोड़ की मार्केट कैप है, जब मैंने लास्ट टाइम दिया था 300 करोड़ का मार्केट कैप था। इस बार देने का रीजन ये है कि हर बार ये टारगेट अचीव भी करता है और दूसरी बात है जो क्वार्टरली रिजल्ट्स और एनुअल रिजल्ट्स थे वो गजब के थे, बेस्ट एवर क्वार्टर गया इनका लास्ट क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, तो पूरा डबल टॉप लाइन है मार्च 2021 से लेकर मार्च 2022, 77 करोड़ के टॉप लाइन से सीधा 153 करोड़ का टॉप लाइन है और जो पैट है वो भी 5 करोड़ से सीधा 8.5 करोड़, सो टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों जबरदस्त है और हाईएस्ट एवर एनुअलाइज प्रॉफिट्स कमाए हैं, 24-25 करोड़ कंपनी कमाने लगी है। और अब मैं अगर वापस से आता हूं फंडामेंटल्स पे, तो 5 करीब इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और इनके अच्छे अच्छे टाइप्स हैं, बेल्जियम में एक टाइप है इनका, एक जापान की टोयो एल्यूमिनियम के साथ जापान जेवी किया हुआ इन्होंने और एक इन्होंने 26% स्टेक इनकी टोयाल एमएमपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक अलग से वो भी है जेवी जो जापान वाली कंपनी के साथ उसमें है। सो ओवरऑल 19% की कैगर से सेल्स ग्रो किए पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल के प्रॉफिट की कैगर 17% है और इन सबको देखते हुए और प्लस प्रोमोटर्स का स्ट्रॉन्ग 74% स्टेक है, सो आई फील कि स्टॉक को, और प्लस मैं रेटिंग्स को देख रहा था, रेटिंग्स लास्ट अभी 31 मई को ही अपडेट हुआ है, पहले ही अंडर वॉच थे, कुछ इंप्लीकेशन डेवलपमेंट्स थे बट अब ये वापस से रीअफर्म्ड हो गया और बढ़िया रेटिंग्स है इनकी कंपनी की भी, तो मेरे हिसाब से इस लेवल पे इस स्टॉक को लिया जाए और आराम से 230 का पहला टारगेट, 250 का दूसरा टारगेट, ऊपर के लेवल्स स्टॉक ने 256 के पहले दिखाए हुए हैं, सो इंटरेस्टिंग लेवल्स है, बिल्कुल लेना चाहिए। बिल्कुल, और 230 के पहले टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ एमएमपी इंडस्ट्रीज अब 216-217 के आसपास, ये वो बेहतरीन स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई इस वक्त जैन साहब की तरफ।